फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहाँ आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए, प्रतीक्षा आचार्य। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज़ प्रतीक्षा आचार्य। हिस्ट्री की एक सीरीज़ आप लोगों के लिए अब बनाई गई है, तो कई सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहां पर आपको सभी हिस्ट्री से संबंधित वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार सभी वीडियोज़ ज़रूर देखें। और यहाँ हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चंस जो आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और इसके क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी दिए हैं और साथ ही आपको आंसर भी शो हो रहा है जो रेड कलर में लिखा हुआ है। आंसर है ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी पीजीटी टीचर्स हिस्ट्री पेपर 2015 में पूछा गया है। तो इसी तरह से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, आंसर है इसका ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। आगे नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम धर्मोपदेश दिया था ऋषि पत्तन में अपना धर्मोपदेश दिया था पहला भगवान बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? उपाली के द्वारा, विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट इज, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? सही आंसर है महावीर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया? तो राइट ऑप्शन डी है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में सम्राट अशोक ने कलिंग को विजित कर लिया था। नेक्स्ट इज, काकनाथ बोट महाविहार कहाँ स्थित है? जवाब है सांची में। प्रतिवेदक का कार्य था, राइट ऑप्शन है घटनाओं की सूचना देना, राइट ऑप्शन के बाद। नेक्स्ट इज, अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? सही जवाब है प्राकृत भाषा, सही आंसर प्राकृत है। नेक्स्ट है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? आंसर इज अशोक, अशोक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, श्रेणी कहते थे, सही जवाब है व्यापार संघ को, श्रेणी व्यापार संघ को कहते हैं। नेक्स्ट है, नाडू क्या था? तो नाडू था एक प्रशासकीय विभाग, नाडू एक प्रशासकीय विभाग था। आगे है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संबंध की स्थापना की थी उसे कहते थे? तो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में जिस संबत की स्थापना की उसे शक संबत कहते हैं। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट इज, नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? आंसर इज शुंग वंश। तो शुंग वंश ने जो सत्ता थी वह हत्या करके ही हत्याई थी और शुंग वंश का अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई थी? आंसर है इसका शुंग वंश। नेक्स्ट इज, कुराल के रचयिता कौन है? कुराल के रचयिता कौन है? आंसर तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर कुराल के रचयिता हैं। तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तोलकप्पियम की विषय वस्तु
व्याकरण और काव्य, तो व्याकरण और काव्य पर आधारित है तोलकप्पियम। मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखित पुस्तक है। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? यिंतू। तो चीनी लोग भारत को यिंतू नाम से पुकारते थे। और इसके साथ यहाँ पर वीडियो एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छे लगे हों, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।